हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। सो इस चैनल पे जो है बेसिकली मेंबर स्टूडेंट का जो है हर किसी का ख्याल रखा जाता है, बट मेंबर के रिलेटेड जो है बहुत कम ही क्वेरी आती हैं। सो इसलिए जो है मेंबर्स के रिलेटेड टॉपिक जो है बहुत कम ही जो है अपलोड होते हैं, बट जो भी अपलोड होते हैं वो डेफिनेटली जो है मेंबर्स के लिए हेल्प करता होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है एज अ मेंबर, तो ये वीडियो जो रहने वाली है पूरे मेंबर के ऊपर रहने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू देखिएगा, मैं ये आपके जो है फ्यूचर में हेल्प करेगा। एटलीस्ट जो है आप सीएस जो है कर रहे हैं तो मेंबर ही बनेंगे, राइट? सो अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं, चैनल के साथ आए हैं, तो बता दूँ कि आपको एक ये ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको केवल ICSI से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। CS से रिलेटेड आपको हर कोई अपडेट मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, इसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। तो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जो आता है उसको दबाएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हो वो मिस ना हो, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे बेसिकली यूनिफॉर्म ड्रेस कोड ऑफ मेंबर्स, मतलब जो मेंबर के लिए जो है एक इंस्टीट्यूट ने सेट ड्रेस कोड मेंशन किया है, जिसमें जो है जो मेंबर बनते हैं, ठीक है, कैसे मेंबर बनते हैं वो पूरे डिटेल्स जो है आप इंस्टीट्यूट, ये जो चैनल है जिस पे आप अभी हैं उस पे डिटेल चेक कर सकते हैं कि एक जो है 12th क्लास का पास आउट कोई स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो CS मेंबर तक कैसे बन सकता है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? सो बात करते हैं कि ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए और कैसे जो है मेंबर अगर आप हैं तो आपको ये ड्रेस कैसे लेनी है, कहाँ से बाई करनी, ठीक है? सो पढ़ लेते हैं कि इन फर्दरेंस ऑफ इट्स इंडोर ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ कॉमन ड्रेस कोड फॉर द मेंबर व्हाइल प्रेजेंटिंग देमसेल्फ बिफोर डिफरेंट अथॉरिटीज, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैज इम्प्लेंट MS रेपो प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड ब्लेजर टू यूनिफॉर्म कलर एंड फैब्रिक, ठीक है? सो इंस्टीट्यूट ने जो है एक कंपनी अक्वायर किया है, अक्वायर कह सकते हैं या फिर बॉन्ड कह सकते हैं, जो नाम है रेप्रो प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको जो है ब्लेजर यूनिफॉर्म कलर कोड फैब्रिक जो भी होना चाहिए वो आपको अलाउ करता है, ठीक है? इसमें बेसिकली रहता क्या है कि एक रेमंड का फाइबर जो कलर कोड जिसका 12 है, ठीक है, दो प्राइस रेंज में आपको ले सकते हैं। एक ये है इंक्लूडिंग GST और एक है आपका 2800 रुपये इंक्लूडिंग GST, और ये डिपेंड करता है कि आप जो है लोकेशन कहाँ पे है और आपके जो कुरियर चार्जेस जो है उसके हिसाब से आपको देने पड़ता है, मतलब इसके अलावा जो है आपके कुरियर चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा। और साइज के रिगार्डिंग बता दूँ कि जब भी जो है जो कंपनी है जो जिनके साथ पार्टनरशिप किया है, ठीक है, वो विल बी स्टेच एज पर द साइज चूजन बाय द डिलीवर्ड बाय द वेंडर ऑफ द डिजायर लोकेशन, ठीक है? आपके जो है आगे बढ़ते हैं तो कैसे जो है आपको बाय करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने एक लिंक दिया है, मैं इसको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये लिंक ओपन करेंगे तो ऐसे कुछ इंटरफेस एक तो वेबसाइट आपको ओपन शो करेगी, ठीक है? सो बेसिकली जो है यहाँ पे जो फीमेल मेंबर हैं उनके लिए जो है जो बताया गया है वो इस तरीके का है, और जो मेल मेंबर हैं उनको ये बताया गया। अभी फिलहाल तो ये आउट ऑफ स्टॉक है, बाकी अगर आप उनको जरूरत पड़ती है तो एक सिंपल आप मेल कर सकते हैं members@ICSI.edu, उस पर मेल करेंगे तो आप अपने क्वेरी के रिगार्डिंग आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है? यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से अपने साइज के रिगार्डिंग आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है? ये ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड आपको पता है एज अ CS एज अ मेंबर, एक एज अ प्रोफेशनल अगर आप कहीं पे काम करते हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में काम करते हैं, या फिर आप अपनी जो है PCS आपकी फॉर्म है, या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने जो है अपने COP लेकर के जो है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल वे में होता है, राइट? तो उसके लिए जो है इंस्टीट्यूट ने कराया है कि यस, अगर आप ICSI को, अगर आप CS को रिप्रेजेंट करते हैं तो यू शुड हैव दिस ड्रेस, ठीक है? बाकी जो है अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, अगर आप स्टूडेंट हैं, मेंबर हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लाके लिख सकते हैं, और आपको वीडियो कैसे लगी है इसके रिगार्डिंग आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।